छींक आने की 7 वजह हैं। क्या सूरज देखने से छींक आती है? क्या आप अपने दोस्तों से ज्यादा छींकते हैं? क्या आपको छींकने के अजीब दौरे पड़ते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा नहीं छींकते? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, आपको छींकने की वजह बताएंगे। लेकिन छींकने के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि हम आपके सामने सारे राज खोल सकें। मौसमी एलर्जीज। अगर आपको मौसमी एलर्जी है तो आप शायद जानते होंगे कि आप लगातार क्यों छींक रहे हैं। ये हवा में मौजूद कणों की वजह से है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको आगे जाकर भी एलर्जीज हो सकती हैं? अगर आपको अचानक खांसी हो जाए, आंखें लाल हों और छींक आने लगे तो शायद आपको वयस्कों में होने वाली मौसमी एलर्जी हो गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अचानक एलर्जी क्यों? अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी की स्पोक्स पर्सन और न्यू जर्सी की एलर्जिस्ट कहती हैं, हम एलर्जी होने या ना होने के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ जन्मे होते हैं। तो बचपन में आप एलर्जीज की ओर जितना कम एक्सपोज होंगे, व्यसक होने पर आपको उतनी ही ज्यादा एलर्जीज हो सकती हैं। एक वजह पर्यावरण में होने वाला बदलाव भी हो सकता है। अगर आप हाल ही में किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां तापमान ज्यादा रहता है और CO2 लेवल भी बढ़ा होता है तो आपकी एलर्जीज बढ़ सकती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको नई और अलग तरह की एलर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि बड़े होने पर आपको धूल मिट्टी में बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। पर आप कैसे जानेंगे कि आपको अडल्ट ऑनसेट मौसमी एलर्जी है या नहीं? एलर्जी एंड अस्थमा केयर ऑफ न्यूयॉर्क के फाउंडर और मेडिकल डायरेक्टर क्लिफर्ड बैसेट MD के पास शायद इसका जवाब है। वो कहते हैं कि मौसमी एलर्जीज वाले ज्यादातर लोग मशीन गन स्टाइल में बहुत देर तक छींकते हैं। याद है ना, हमने छींकने के दौरे के बारे में बात की थी? ऐसा आपकी नई एलर्जीज की वजह से हो सकता है। सूरज की रोशनी। क्या ऐसा हुआ है कि आपने एक चमकदार धूप भरे दिन में आसमान में सूरज की तरफ देखा और आपको छींक आ गई? इस तरह की छींक, मतलब सूरज की छींक या अच्छू सिंड्रोम को फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहा जाता है। medicinenet.com के अनुसार फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स एक डिसऑर्डर है जो तब होता है जब अंधेरे में रहने वाला कोई इंसान तेज रोशनी, आमतौर पर सूरज की तेज रोशनी में अचानक आता है। इसके जवाब में उसे बेकाबू छींके आने लगती है। लगभग 17-35% आबादी इस रिफ्लेक्स से पीड़ित है। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो इंसान 2 या 3 बार छींकता है, लेकिन कई मामलों में लोग 40 बार तक छींकते हैं। ऐसा होने के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन 1964 में साइकाइट्रिस्ट हेनरी एवरेट ने एक हाइपोथीसिस डेवलप की थी जिससे पता चलता है कि ये रिफ्लेक्स शायद दिमाग के नर्व सिग्नल्स द्वारा पैदा किया जाता है। इस हाइपोथीसिस के अनुसार 2 रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सूरज वाली छींक में भूमिका निभाते हैं। पहले रिफ्लेक्स को प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं, जो आंखों में आने वाली तेज रोशनी को कंट्रोल करता है। जब तेज रोशनी आंखों में आती है तो ये रिफ्लेक्स ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। फिर सिग्नल्स लौट कर आंखों की ओर आते हैं जिससे पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। दूसरा रिफ्लेक्स स्नीज रिफ्लेक्स होता है। ये रिफ्लेक्स नाक में गुदगुदी की पहचान करता है। दिमाग को गुदगुदी का अलर्ट मिलता है जिसकी वजह से छींक आती है। ज्यादातर लोगों में ये 2 रिफ्लेक्सेस, जो कि एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, क्रॉस नहीं करते। ये हाइपोथीसिस दावा करती है कि सन स्नीजर्स के लिए ये रिफ्लेक्स सिग्नल्स तेज रोशनी में आने पर पाथ क्रॉस करते हैं। दिमाग को सिग्नल भेजा जाता है ताकि तेज रोशनी में आने पर पुतलियां सिकुड़ जाएं, लेकिन जब सिग्नल स्नीज रिफ्लेक्स के साथ पाथ क्रॉस करता है तो छींक आती है। एक दूसरी थ्योरी ये भी बताती है कि ये रिफ्लेक्स मेड्यूला ओब्लोंगाटा, छींक जैसे इनवॉलंटरी प्रोसेस को नियंत्रित करने वाला दिमाग का हिस्सा, की वजह से होता है। जब पुतलियां सूरज की रोशनी से सिकुड़ती हैं, तो दिमाग की तरफ जाने वाला सिग्नल मिक्सअप हो सकता है। अगर आपका कोई जानकार सूरज की रोशनी में छींकता है या अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो अब आपको जवाब मिल गया होगा। आपको सर्दी होने वाली हो। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देखेंगे, तब ठंड का मौसम हो या नहीं। अगर वो मौसम ठंड का हुआ तो शायद आपको उस वक्त सर्दी हो। आखिर यही तो छींकने की सबसे आम वजह है। लेकिन अगर ठंड का मौसम ना हो
तो भी आपको सर्दी हो सकती है। सर्दी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। लेकिन आखिर गर्मी के मौसम में सर्दी कैसे हो सकती है? आखिर सर्दी होने की वजह तो ठंड होती है ना? इस बारे में वेरी वेल हेल्थ हमें समझाते हैं। सर्दी की वजह होता है वायरस, ना कि कोई मौसम, इसलिए वो साल के किसी भी वक्त हो सकती है। सर्दी ज्यादातर ठंड में इसलिए होती है क्योंकि वायरस ठंडी सूखी हवा में ज्यादा आसानी से फैलता है। सर्दी के मौसम में लोग ज्यादातर घरों के अंदर ही रहते हैं, यानी उन्हें दूसरे लोगों और उनके जर्म्स का ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गर्मियों में सर्दी नहीं हो सकती। सर्दी फैलाने वाला वायरस हमेशा मौजूद रहता है। चलिए आपकी अवेयरनेस के लिए मैं आपको सर्दी जुखाम के कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। नाक बहना, गले में खराश, खांसी, खून जमना, शरीर में थोड़ा दर्द या सिर दर्द, थोड़ा बुखार, अच्छा महसूस ना करना और हाँ, छींकना। ये बहुत सारी एलर्जीज लगती हैं, लेकिन परेशान मत होइए, कुछ अंतर है जिनसे आप साधारण सर्दी और एलर्जीज में फर्क बता सकते हैं। अगर आपको साधारण सर्दी हो तो एक या दो हफ्ते में आपके सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, अगर नहीं तो मतलब ये एलर्जीज की वजह से है। अपने सिम्टम्स की तरफ ध्यान दीजिए। वैसे ध्यान न देना थोड़ा मुश्किल है। अगर वो शुरू में कम हो, फिर ज्यादा हो जाए और फिर कम हो जाए, तो मतलब आपको केवल सर्दी थी और अब उसका कोर्स पूरा हो गया है। ये सिम्टम्स अलग अलग वक्त पर सामने आएंगे। अगर आपको सर्दी है तो आपको सिम्टम्स अलग से नजर आएंगे, यानी आपको गले में खराश, खांसी और छींके अलग अलग वक्त पर होंगी। लेकिन एलर्जीज आप पर एक ही वक्त में हमला करेंगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो सिम्टम्स बदल जाएंगे। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके सिम्टम्स अचानक गायब हो जाएं, तो शायद आपको एनवायरनमेंट की वजह से एलर्जी हुई थी। आप एसी से गर्म मौसम में गए हो, तापमान में बदलाव से आपको छींके आ सकती हैं, खासकर अगर बदलाव बहुत ज्यादा हो तो। गर्मी और ठंड का मौसम शुरू होने पर आपके गर्म या ठंडे कमरों के घरों में प्रकृति का कहर ढा सकता है। विमेंस हेल्थ मैग का कुछ ये कहना है, अगर आप घर से निकलते ही छींकने लगते हैं तो ये शक करना आसान है कि आपको शायद एलर्जी है। लेकिन अगर छींके एक दो मिनट बाद रुक जाएं, तो ऐसा केवल तापमान में बदलाव की वजह से होता है। आप स्मोकर्स के आसपास हो, क्या आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो सिगरेट पीते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों के करीब रहने पर आपको ज्यादा छींके आती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सिगरेट का धुआं एक इरिटेंट है। हालांकि ये एलर्जन नहीं, लेकिन इससे नाक में कुछ होता है। ये बड़ा ही साइंटिफिक है, लेकिन विश्वास करिए, हमारे अपने सोर्सेज हैं। डिस्कवरी हेल्थ के लोग कहते हैं धुआं एक एलर्जन के तौर पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये एक इरिटेंट जरूर है, खासकर उनके लिए जो अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित हैं। सिगरेट का धुआं, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग से हो या पैसिव, उससे अस्थमा या एलर्जीज का खतरा बढ़ता है। इसका असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। अगर आपको सिगरेट नहीं पीने के लिए ज्यादा वजहों की जरूरत नहीं, तो अब तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको छींक आती है। आपको मसालों से कुछ इश्यूज हो, अगर आप अक्सर किचन में रहते हैं तो ये बात सोचने वाली है। आपकी नाक कुछ मसालों से इरिटेट हो सकती है। मिर्च जैसे मसाले बहुत बुरे होते हैं, और क्लिफर्ड बैसेट भी यही कहते हैं कि कुछ लोग बहुत मसालेदार खाना खाते वक्त ही या उसके तुरंत बाद छींकना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप खाना बनाते वक्त छींकते हैं, तो करी और मिर्च से दूर रहने की कोशिश करें। आपको पालतू जानवरों की एलर्जी हो, आपको शायद पालतू जानवरों के बालों की एलर्जी हो सकती है। हो सकता है बचपन में आपको ये एलर्जी ना हो, लेकिन बड़े होने पर अगर आपका सामना किसी अजीब कुत्ते या बिल्ली से हो, तो तब भी आपको ये एलर्जीज हो सकती हैं। और पालतू जानवरों के बालों से छींकने का दौरा भी पड़ सकता है। और बस इतना ही, चलिए हम छींक के बारे में अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्या आपको अपने हर वक्त छींकने के सवाल का जवाब मिला, या हम कोई महत्वपूर्ण वजह बताना भूल गए? चाहे जो भी हो, छींकने के बारे में आपको जो भी पता है, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।